हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पहले डेफिनेशन जानेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग, उसकी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी करनी है यहाँ पे। साथ ही साथ हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक फार्मूला, जो कूलम्स लॉ क्वेश्चंस, ये सब कुछ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में गिवन है वो लिंक, या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी सारे वीडियो लेक्चर्स को एक साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी कवर करा दिए जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, दैट व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसकी थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Students, here is the definition of electric dipole, that it is the system of two equal and opposite charges. मतलब कि आपको दो equal and opposite charges लेने हैं। Suppose करो कि आपके पास एक charge है minus q and the second charge is plus q. Both these charges are equal and opposite. Means ये plus charge है, वो minus charge है, and they are separated by a small and finite distance. और इन्हें हम एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो अरेंजमेंट यहाँ पर बन रहा है, इसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम यहाँ पर दिया है, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ओके, नाउ अब बात आती है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो क्रिएट हुई है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू q into 2l। सो स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू q into 2l, वेयर p इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। हम इसे क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट के नाम से इसे जानते हैं। और इसकी फॉर्मूला क्या होगी? इसकी फॉर्मूला हो जाएगी चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो एक डाइपोल का अरेंजमेंट हमने बनाया है और वहाँ पर हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, उनके बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि दिस अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल? ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? सो दिस इज गिवन बाय द टर्म डाइपोल मोमेंट एंड दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू into 2L. Now students, बात करेंगे that P, when P is dipole moment, is a vector quantity. ये एक vector quantity है. इसकी direction आपको याद रखनी है. इसकी जो direction होती है, ये negative side to positive होगी. Means अगर आपके पास कोई एक dipole का arrangement है इस तरह से minus Q और इसके सामने कुछ दूरी पे रखा हुआ है plus Q. So this is forming a dipole with the सेपरेशन 2L. नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ P हियर? P की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? सो P इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव साइड। इस तरह से हमारी P की डायरेक्शन होती है। सो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इनटू 2L. तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनेगा, कैसा होता है, किस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, साथ ही साथ उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, और हमने ये भी जाना दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो इसके बारे में पहले जान लो, टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं दैट व्हाट इज मतलब एक्सियल लाइन। यहाँ पर हम कह रहे हैं वो एक्सियल लाइन क्या है। सपोज करो कि आपके पास एक डाइपोल है, आपने इस तरह से डाइपोल लिया है, दिस वन इज पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड इससे कुछ डिस्टेंस पे आपको दूसरी चार्ज भी यहाँ पर दी हुई है। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, पेशेंटली पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स हियर। सो माइनस क्यू इज द चार्ज एंड हियर दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज है ये दोनों। तो दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, सपोज they are separated by a distance of 2L.
तो ये हमारा एक डायपोल यहाँ पर बन गया है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल लाइन, मतलब देखो ये जो लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्ज को, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को जो ज्वाइन कर रहा है, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ओके, सो ये हमारी एक्सियल लाइन है और इसी लाइन पे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सियल लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, इस तरह से हमने इसे आगे फर्दर यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। सो सपोज करो कि ये एक एक्सियल लाइन हो गई और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो हम यहाँ पर सपोज कर लो, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिस इज पॉइंट पी। सो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ दी चार्जेस फर्स्ट। देखो ये दोनों चार्ज एक साथ मिल रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तभी जा करके इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। हम यहाँ पर P पे जो एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P पे हमने निकालना चाहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तो बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे इसे। देखो आप क्या करो ना, आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालो ड्यू टू दिस चार्ज, फिर दिस चार्ज, और फिर दोनों की रिजल्टेंट निकाल लो। तो कैसे करेंगे, बहुत आसानी से कुछ टर्म्स हम यहाँ एज्यूम करेंगे। दैट सपोज करो कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये सेंट्रल लाइन, सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं इसे, ठीक है। सो हमने डिस्टेंस 2L ली है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L, और ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी L, तभी जा करके दोनों के बीच की सेपरेशन 2L है। ओके, नाउ अब देखो, अब आप ये डिस्टेंस को मान लो दैट दिस डिस्टेंस इज R, सेंटर पॉइंट से P तक की डिस्टेंस हमने मान ली है R। ये जैसा जैसा assumption, जैसा जैसा डिस्टेंस हमने लिया है वो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट ये R जो है ये कहाँ से, सेंट्रल पॉइंट से P तक है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। अब देखो सपोज नाम दे देते ना, इसकी नाम हम दे देते वन और इसकी इस चार्ज की नाम दे देते टू। तो नाउ हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे ड्यू टू चार्ज वन, चार्ज वन की वजह से निकालेंगे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे ड्यू टू चार्ज टू, फिर दोनों का नेट ले लेंगे, तो हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पी पे। तो देखो ड्यू टू चार्ज वन, अगर चार्ज वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पी पॉइंट पे, तो आप बताओ कि चार्ज वन जो है वो कैसा चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज वन नेगेटिव है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल अप्रोच चार्ज वन, चार्ज वन के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, ना कि चार्ज वन से दूर जाएंगे, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं। तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप निकालो वन की वजह से, तो वो ऐसे होनी चाहिए, तभी ना जा करके वन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे है। तो ये जा करके कहाँ पे जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो चार्ज वन तक जाएंगी ऐसे। अगर हम P पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ऐसे बना देते, तब तो ये नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ चले जाते ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं, दैट इज़ वाई हम P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत ईजिली बता सकते हैं, दैट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वन जो है वो ऐसे होगी E1, ये पॉइंट P। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सो हम जानते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के क्यू अपॉन डिस्टेंस, दिस इज आर एंड दिस इज एल, सो दिस डिस्टेंस इज आर प्लस एल, सो आर प्लस एल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन हमने यहाँ पर यहाँ दिखा दी है। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालेंगे ड्यू टू चार्ज टू। अब देखो चार्ज टू जो है ना, चार्ज टू इज पॉजिटिव चार्ज, मीन्स चार्ज टू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, मीन्स पी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, ये जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर मतलब ऐसे जाएंगे ना,
पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो P पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस Q, तो P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे उस तरफ दिखाओगे ड्यू टू चार्ज टू, तो P पॉइंट है ये हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, बहुत बेसिक से समझाया आपको। नाउ E2 इज इक्वल टू K चार्ज Q, और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हमारी है R में, अगर हम L घटा देते हैं तो हमारी डिस्टेंस मिल जाएगी R माइनस L स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया पॉइंट P पे। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तभी तो जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होगा ना, ये तो हमने इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया ना P पे। नाउ अगर आपने इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कैलकुलेट कर लिए, तो अब आप उनकी नेट निकाल दो, तो नेट निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P मिल जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि E1 की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है और E2 की जो डायरेक्शन है वो राइट की तरफ है, तो नेट कैसे निकालेंगे, तो नेट निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ज्यादा कौन है, कम कौन है, देखो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग लेस वैल्यू देन दिस, तो E2 की वजह से E2 की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी, बिकॉज ये चार्ज P के सामने है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, ये चार्ज P से दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट P इज इक्वल टू E2 माइनस E1। समझ आया क्यों माइनस किया हमने, E2 माइनस E1, व्हाट इज E2, सो E2 इज KQ अपॉन R माइनस L स्क्वायर एंड माइनस E1, व्हाट इज E1, सो E1 इज KQ अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, अब यहाँ से हमारी के क्यू टर्म कॉमन आ जाएगी एंड दिस वन इज वन अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। अब ये प्रोसेस स्टूडेंट्स, ये जितना समझना था हमने समझ लिया है, अब इस प्रोसेस को देखते हैं केवल। नाउ ये देखो आप ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे लिख दो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, एलसीएम ले लिया था हम, सो यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में था तो हमने इसे ब्रेक कर दिया माइनस लगा के, अब इसे ब्रेक करेंगे तो आर स्क्वायर ये प्लस हो जाता है और बाहर माइनस है। ये उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल आप खुद से भी कर सकते हो, थोड़ी सी स्टेप्स आपको बढ़ानी होगी, जो मेन फंडा था जो मेन कॉन्सेप्ट था ये था, यहाँ पर केवल और केवल कैलकुलेशन है तो इस बात के लिए आप मुझे बिल्कुल नहीं बोल सकते। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड दिस वन इज प्लस टू आर एल। ओके नाउ ये देखो टर्म्स, ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपको यहाँ मिलेगा के क्यू, यहाँ मिलेगा आपको टू और टू फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू। ओके नाउ अब इसे थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखेंगे और जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज करते हैं। ओके सो नाउ वी विल टेक सम अजम्पशंस हियर, एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या एज्यूम कर रहे हैं दैट द वैल्यू आर इज फार फार ग्रेटर देन 12 या फिर एल। ठीक है, आर की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मीन सेपरेशन को हमने क्या रखने को कहा था डेफिनेशन में, हमने देखा था दैट सेपरेशन शुड बी स्मॉल एंड फाइनाइट, तो ये सेपरेशन बहुत स्मॉल होगा उसके रिस्पेक्ट में आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो ले रहे हैं इसमें एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज आर बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा में से आप बहुत कम को घटा रहे हो तो उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 में से घटाते हो 0.0001 तो ये लगभग 10 के ही बराबर होगा ना, इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो एल स्क्वायर है उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो दिस फार्मूला बिकम्स इक्वल्स टू आप के क्यू
इंटू टू एल इंटू टू आर कर दो। देखो आप के क्यू फोर आर एल, के क्यू फोर आर एल सारा वैसा का वैसा ही है, और इसे हमने नेग्लेक्ट किया था, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर फोर, तो एक आर यहाँ से कैंसल हो गया स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो ये क्यू इंटू टू एल आपने जाना कैसे, क्या है ये कि क्यू इंटू टू एल क्या है, पी है, पी हमने अभी डिफाइन किया था, पी है, और एक आर यहाँ से कैंसल हो गया। सो द फाइनल फॉर्मूला इज के, ओके, एंड हियर दिस वन इज पी, और टू रह जाएगा और ये आर क्यूब हो जाएगा। आपको याद कौन सा फॉर्मूला रखना है स्टूडेंट्स, तो आपको याद ये रखना है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या रह गया है टू पी, और एक आर कैंसल हो गया है। सो दिस वन इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेम्बर। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन इज गिवन बाय 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो p पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिया e2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिया e1, as e2 इज ग्रेटर देन e1, क्योंकि सामने है वो चार्ज, सो ये चार्ज सामने है ना, तो ये E2 की वैल्यू ज्यादा है, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू E। सो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आया है। तो हमने यहाँ पर सीखा स्टूडेंट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल्स टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल। क्यों? क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन भी तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही थी ना, और पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आया वो भी तो उसी डायरेक्शन में, इसीलिए हम कहेंगे ये आया हमारा फुल कॉन्सेप्ट, ये हमने यहाँ पर समझा। नेक्स्ट बात करेंगे दैट अगर हमें किसी और पॉइंट, कौन से पॉइंट वो जानते हैं, फिर समझते हैं और उसकी भी एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। पहले तो ये समझना है व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन क्या है, इक्वेटोरियल लाइन किसे कह रहे हैं और कहाँ पे निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो सपोज करो कि आपके पास फिर से वही करना है भाई, डाइपोल चार्जेस लेने हैं, सेपरेशन लेने हैं, पॉइंट इक्वेटोरियल किसे कहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो दैट दिस वन इज माइनस क्यू चार्ज, ओके, सो दिस वन इज माइनस क्यू चार्ज एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस सपोज टू एल, एंड अनदर चार्ज प्लस क्यू, सो माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, वी हैव टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2L। नाउ व्हाट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कह रहे हैं, तो आप क्या करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ यहाँ पर, ओके, सो यहाँ पर इन दोनों का परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए दोनों को। सो इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ किया एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हो, सो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, सो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस वन इज द इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। तो किसी इस लाइन पे किसी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस डाइपोल की वजह से, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करो ये आर है, ये जो सेपरेशन देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये आर है, कुछ भी रैंडम वैल्यू गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, तो इस वजह से हम उसे आर लेकर चलते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आप वहाँ पे पुट कर दोगे। सो दिस वन इज द सेंट्रल पॉइंट, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन एंड दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन ऑल्सो एंड दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। सो यहाँ पर हमने इसे आर मान लिया, ओके, नाउ आप इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ओके, इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन करने के बाद देखो कैसे करोगे, ये पॉइंट पी है हमारा जैसे पहले था वैसे ये अभी भी पी है, इसी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो दिस वन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर जाएंगे या इसकी तरफ आएंगे। मैंने पहले बताया, अभी पहले कॉन्सेप्ट बताया दैट नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके तरफ अप्रोच करते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे, अप्रोच करेंगे इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। तो P पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो इससे दूर जाता हो, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा दूर जाते हैं। सो दिस वन इज प्लस क्यू एंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दूर, आपको दूर जाती हुई दिखाई देगी, इस तरह से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शन को यहाँ पर दिखा दिया है। अब थोड़ी सी पेंटिंग मैं आपको कर दे रहा हूँ ताकि इजीली विजिबल हो आपको। सो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बोथ द चार्जेस। मान लिया इसे हमने E1 नाम दे दिया,
जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था और इसे E2 नाम दे दिया। ओके, ये डिस्टेंस हमारा L होगा ना, ये डिस्टेंस हमारा L है एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो L, तभी तो 2L डिस्टेंस है ना, मिड पॉइंट सेपरेट करें। ये सारे अजम्पशन, ये सारे टर्म्स कंडीशन तो आपको पहले अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी मैं जा करके आपको फॉर्मूला में ले जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे आप। नाउ इफ वी आर टेकिंग दिस एंगल एज थीटा, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हमने थीटा एंगल है, तो ये भी तो थीटा होगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह से नहीं, तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। अब सपोज करो कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो आप, इस तरह से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, वाई बिकॉज दिस आर दी अल्टरनेट एंगल, एंड अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा बिकॉज दे आर दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा आपको, तो दोनों हमने थीटा वहाँ पर दिखा दिया। थोड़ा सा अब ये कॉन्सेप्ट लगाओ कि अगर आप रिजोल्यूशन करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी रिजोल्यूशन तो हम 90 डिग्री पे कर ही सकते हैं। तो सपोज करो कि हमने इसकी पूछी आपसे कि बता दो भाई ई टू की कितनी पार्ट इधर है, तो आप बोलोगे सर ई टू कॉस थीटा। ओके, नाउ आपसे पूछेंगे कि अगर बता दो भाई कि ई टू की पार्ट ऊपर की तरफ कितनी है 90 डिग्री पे, तो जिधर थीटा नहीं है उधर क्या लिखते हैं, थीटा जिधर नहीं उधर साइन लिखते। नाउ चलो हो गया ये कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया बहुत इजीली। नाउ अगर आपसे पूछा जाए बता दो भाई ई वन की कंपोनेंट इधर कितने, थीटा इधर है ना, तो ई वन की कंपोनेंट सर इधर हो जाएगी ई वन कॉस थीटा, और भाई ई वन की कंपोनेंट इधर कितनी 90 डिग्री पे, तो आप बोल दोगे सर ई वन साइन थीटा, क्योंकि इस तरफ थीटा नहीं है, ये 90 डिग्री पे हमने ई वन को ब्रेक कर दिया और ये 90 डिग्री पे हमने ई टू। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, 11 में पढ़ा होगा आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो वहाँ पर जा करके इसको देखना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे ई वन कॉस थीटा, ई वन साइन थीटा, ये सारे कॉम्पोनेंट्स हमने कैसे ब्रेक किया। आप बताओ मुझे कि क्या ई वन और ई टू इक्वल है, यस ऑफकोर्स इक्वल है, ई वन एंड ई टू बोथ आर इक्वल, ऑफकोर्स दे आर इक्वल, बिकॉज आप फॉर्मूला लिखोगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यही तो है ना पॉइंट पी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों तो इक्वल है ना, सो कितने हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितने हैं, ये आर है, ये एल है, ये आर है, तो दिस वन इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर, सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाइपोटेनस की स्क्वायर करनी थी हमें, सो ई वन एंड ई टू बोथ आर इक्वल। नाउ अब बताओ मुझे अगर ई वन और ई टू इक्वल है और पी पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पाना चाहते हो, तो जो भी वैल्यूज इक्वल होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो यहाँ पर ई टू साइन थीटा कैंसल ई वन साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में कोई भी योगदान नहीं दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म हो जाते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी अगर आपको चाहिए तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा E1 cos theta plus E2 cos theta के सम से, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे हम इसे, बट इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों इक्वल वैल्यूज हैं तो ये नेट जीरो हो जाएगा, मींस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इतना होगा ड्यू टू बोथ दी चार्जेस, मींस ड्यू टू दी डाइपोल, तो यहां पर कितना आएगा ये 2E cos theta, सो 2E cos theta, why? Because E1 E2 इक्वल है ना भाई, तो इसे E मान लो ना, तो आप इसे E1 cos theta plus E2 cos theta, इसे आप लिख दो 2E cos theta, दोनों तो इक्वल है। नाउ 2E cos theta में अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 2E, E इज इक्वल टू KQ अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हमने वहाँ पर रख दिया, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी, उसके साथ कॉस थीटा भी है। नाउ कॉस थीटा की अगर आप वैल्यूज देखो तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे रख दिया। एक और एजम्पशन आप देखो दैट आर इज फार फार ग्रेटर देन एल और 2L, ये एजम्पशन हमने पिछले वाले में भी लिया था, तो यहाँ पर थोड़ा नेग्लेक्ट हम करेंगे, कैसे करेंगे, सो 2KQL डिवाइडेड बाय दिस बिकम्स पावर 1, दिस पावर 1 बाय 2, सो दिस बिकम्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2,
सो स्टूडेंट्स अगर हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है नेगलेक्ट करना, बताया मैंने पहले ही बताया, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। सो आर स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर कैंसिल मीन्स आर क्यूब। सो ए पी इज इक्वल्स टू टू के क्यू एल अपॉन आर क्यूब एंड क्यू इंटू टू एल को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। सो ये हो जाएगा पी के को क्या लिख देंगे, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये फार्मूला हमारा इसमें आएगा। सो स्टूडेंट्स हमने जाना दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब आप देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की वजह से मिल रही है और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। डाइपोल की कैसे थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मीन्स इसकी डायरेक्शन हो गई है ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, पी के ऑपोजिट डायरेक्शन है बिकॉज पी माइनस क्यू से प्लस क्यू है और ये नेट इधर आ रही है ऑपोजिट में आ रही है। इस वजह से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हैविंग द डायरेक्शन दिस, ये हमने यहाँ पर सीखा। स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कि सारे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे बराबर मान रहा है। तो सपोज करो कि आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे दिखाया, ये हमारा एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। सो दिस इज द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ यूनिफॉर्म वैल्यू, कहीं भी ज़्यादा कहीं भी कम नहीं है, सारी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है यहाँ पर दिस इज इक्वल। एंड अ डाइपोल, सपोज एक डाइपोल हमने लिया और उसे यहाँ पर रख दिया। सो डाइपोल माइनस चार्ज माइनस क्यू चार्ज, फिर इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे हमने रख दी प्लस क्यू चार्ज, ऐसे रखा हमने, ऐसे डाइपोल को हमने ऐसे रखा है, सीधा नहीं रखा है, ऐसे नहीं रखा है, थोड़ी सी टिल्टेड ऐसे है, इधर माइनस क्यू चार्ज है और इस तरफ प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पर रख दिया। सपोज करो कि ये डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे होगी ना, ये एंगल थीटा बना रहा है, मीन्स थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब बताओ थीटा क्या है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन पी और ई के बीच की एंगल है, कैसे, तो डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की पी और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, तो दिस इज थीटा, मीन्स थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे दैट कि आपको पता होगा दैट इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन आ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाता है देन दैट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो वो चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सारे बच्चे जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, क्यू मैग्नीट्यूड है तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई इस डायरेक्शन में, सेम फोर्स इस पे भी लगेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है तो क्यू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसीलिए फोर्सेज भी इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, एफ नेट ऑन द डाइपोल, टोटल फोर्स जो डाइपोल पे है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, तो आप बोलोगे सर जीरो है बिकॉज द फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। बट व्हाट इज इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द टॉर्क नेट ऑन द डाइपोल, नेट टॉर्क क्या है इसमें, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसी की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एनी डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क अगर आप कहीं भी लिखते होगे तो टॉर्क इज रिटन एज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते होगे तो आप लिखते होगे आर क्रॉस एफ, जो फॉर्मूला आपको ठीक लगे, मैं दोनों के साथ यहाँ डील करने वाला हूँ। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ,
नाउ हम लोग यहाँ पर टॉर्क लिखने वाले हैं, ठीक है। तो टॉर्क किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर टॉर्क लिख रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए। तो इसके अबाउट अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क लिखना है आपको, तो एक फोर्स तो यहाँ है, दूसरा फोर्स वहाँ है, तो जो फोर्स यहाँ है ए पे, क्या वो इसको टॉर्क दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं। जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे वो टॉर्क कैसे लगा सकता है? ये फोर्स खुद इसके एक्सिस, इसी एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। अगर आपके पास एक डोर है, आप जाकर के हिंज पे फोर्स लगाओ, हिंज पे फोर्स लगाओ, तो क्या वो डोर घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो चूंकि ये फोर्स जो है ए को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है, टॉर्क हम ए के अबाउट लिख रहे हैं, बट दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू ए, दैट इज वाई इस फोर्स की कोई भी टॉर्क हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम केवल इस फोर्स की टॉर्क लिखेंगे एंड देखेंगे दैट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। कैसा दूरी चाहिए? तो हमें परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। तो परपेंडिकुलर दूरी कौन है? ये है, ए से एफ की परपेंडिकुलर दूरी ये है। तो सपोज ये डिस्टेंस हम कितनी ले देते, 12, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये थीटा है भाई, ये थीटा है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। सो स्टूडेंट्स दिस इज 2l एंड दिस वन इज 2l साइन थीटा, परपेंडिकुलर हो गया ना, ये बेस हो गया या हाइपोटेनस हो गया। सो दिस वन इज 2l साइन थीटा। तो अगर आप टॉर्क अबाउट a लिखते हो, टॉर्क अबाउट a, तो a के अबाउट टॉर्क लिखने पर, टॉर्क अबाउट a लिखना है, तो टॉर्क अबाउट a इज इक्वल टू R क्रॉस F नहीं लिख रहे हम यहाँ पर, सिंपल लिख रहे हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 12, परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो हमने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, कितनी लिखी थी हमने, फोर्स हमने लिखी है क्यू ई 12 साइन थीटा। अब देखो आप यहाँ पर जो टर्म है Q और 2L, तो इसे हम P कहते हैं, सो PE साइन थीटा। अब आप बता दो मुझे, आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ टॉर्क, या फिर व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर A क्रॉस B, तो आप क्या जानते हो, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा होगा, तो उसमें हम जानते हैं दैट अगर किसी भी जगह पर A क्रॉस B निकालने को कहा गया C क्रॉस D, तो हम लोग वहाँ पर C क्रॉस D को लिखते हैं CD साइन थीटा, या A क्रॉस B को लिखते हैं AB साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है PE साइन थीटा, मीन्स दिस टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म इज P क्रॉस E। तो हमने ये जाना दैट अगर किसी भी डाइपोल को, जिसकी डाइपोल मोमेंट P है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, देन इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क विच इज इक्वल टू P क्रॉस E। P क्रॉस E के बराबर का टॉर्क ही एक्सपीरियंस करेगा अगर किसी भी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में तुम रख देते हो, देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क विच इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, बट द नेट फोर्स नेट तो जीरो होगा, बट टॉर्क नेट जीरो नहीं होगा। और वही टॉर्क नेट हमने इसमें कैलकुलेट किया है, और हमने सीखा है, हमने पाया है दैट टॉर्क नेट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, और ये वीडियो बस थियोरी पर्पस के लिए है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही जा करके आपके क्वेश्चंस बने। तो इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए, आपके थ्योरी क्लियर कराए हैं, अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाने हैं, इसी थ्योरी को सामने रख करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो जा करके आपको समझ आएगा दैट हाउ यू आर परफॉर्मिंग, कैसा परफॉर्म कर रहे हो आप। तो किसी भी चैप्टर का थ्योरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल होता है, बिकॉज जो भी क्वेश्चन होते हैं दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दैट थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएंगे दैट और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे और आप उन पे वीडियो लेक्चर्स पाना चाहते हो, चाहे वो 11th के हो, 12th के हो, 12th पास आउट के स्टूडेंट्स हो, या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियोज़ को, इसी तरह से बने रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है आपको, सारे के कैटेगरीज जो है वो डिवाइडेड हैं, क्लास 11 क्लास 12 सारे कैटेगरीज हमने डिवाइड कर दिए आपके कन्वीनियंस के लिए, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है आप उसमें जाकर के सर्च करो, आपको ज़रूर मिलेगा। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।